अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ कश्मीर के श्रीनगर स्टूडियो पर तुहुंद मेज़बान ज़ाहिद जावेद पेश खबर। आज लो नवा बाजर श्रीनगर नामलूम नफरों सीआरपीएफ चे किस पार्टी पे ग्रेनेड यम किस नतीजस मं त्रे सीआरपीएफ एहलकार सिविल छकलत सपद जख्मी एहलकार शिनाख्त कॉन्स्टेबल फयाज अहमद सिपाही हरीश कुमार तो सिविल हाजिक अली सिंद रंग सपज मज जख्मी नफर आई फिलफोर हस्पताल मुंतकिल कर ये तिहज हालत मुस्तकम मन फोर्स मजकूर इलाक मज मिलिटेंटन झंड शुरू करम ये अक तरफ कोविड सड़ने बाप जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ प्रथ मुमकिन कोशिश कर हाल हंद बड़ो बड़ो तजरों तरफ अत वबाकारी मज हुकूमत अथरोट कर बाप पंचा पे शेठ बेड वोल हस्पताल बनान ऐलान कर आमुत अलसिलस मज बिजनेस कम्युनिटी हंद सरबरा साहिल जुर्वन गवर्नर मनोज सिन्हास अपील करम जिन तिम यह कार्य खैर अंजाम दिनस मज अथवास साहिल जुर्वन वो सुमाइंद सत कर वादी मज वस ऑक्सीजन तो वेंटिलेटर हज कमी महसूस कर तमो तिमो मुल्को पे ऑक्सीजन तो वेंटिलेटर वातन वल तमो गवर्नर मनोज सिन्हास गोश गुजार कर्म जिन अम वेंटिलेटर तो ऑक्सीजन योर वात मदद यूथ कोविड वबाकारी मज आवामस मदद करित हेको। हमारे पास सबसे बड़ी किल्लत जो है कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर रियासत में वो सिलेंडर्स की किल्लत है। हमारे पास यहाँ सिलेंडर्स बहुत कम है। हमने आज कुछ कंपनियों से बात की और बाहर हमारे विदेश में लोग हैं, कश्मीरी लोग हैं जिन्हें सिलेंडर डोनेट करने का प्लान बनाया है और ये सिलेंडर्स हम कश्मीर लेके आएंगे। दिक्कत सिर्फ ये है कि हमें दिल्ली में कस्टम्स और यहाँ तक रूट जो है वो क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हमसे एक बार मिलें। हम सारी कम्युनिटी अपने पे कुछ करना चाहते हैं, हमें हेल्प दे थोड़ा ताकि कि हम ये बिना कोई रोक टोक बिना कोई प्रॉब्लम हुए बाहर से ये इंपोर्ट कर पाए कश्मीर में। यहाँ जो इतने सारे हज़ारों की तादाद में बेड्स क्रिएट किए गए हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई करके एक्टिवेट किया जाए। हमारे अभी तक ये बेड एक्टिवेट नहीं हुए हैं, बेड्स तो है ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं हैं। बस यही अपील है गवर्नर साहब से कि आप हमें प्लीज़ टाइम दें, हमें मिले और हम आपसे मिलके ये एक रास्ता जो एक अड़चन बीच में आई है इसको हम क्लियर कर पाए। जो हमारे पास बेड्स अभी हमें प्रोवाइड किए गए हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए जो शॉर्ट कमिंग्स हमारे पास है, जो किल्लत हमारे पास हो रही है, जैसे आईसीयू नहीं है या कोई वेंटिलेटर सिस्टम नहीं है, डॉक्टर्स चाहिए हमको, उन चीज़ों को अंजाम तक लाने के लिए आप प्लीज़ हमें टाइम दे, हमसे मिले। आप अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमें पता है आप काफ़ी काम कर रहे हैं, आप बिज़ी है, हमें कोई आदमी प्रोवाइड करे गवर्नमेंट की तरफ से जो हमसे मिलके हमारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करे ताकि हम कोई खिदमत कर सके लोगों की, गवर्नमेंट की हेल्प कर सके। हम कुछ करना चाहते हैं, हमारा ये प्लीज़ रास्ता क्लियर करवा दीजिए। डी सी श्रीनगर एजाज अहमदन आज पन्नस अकिस बयान मज यह कथ साफ करम मेडिकल ऑक्सीजन यी सिर्फ जिले एडमिनिस्ट्रेशन तरफ जरूरत मंदन तमाम वातना तमो वो यह कदम आव अव मख तुल ब्लैक मार्केटिंग रुकावन तमो वो मजीद। तो जो आपका सवाल है उस सवाल को मैं कम्प्लीट कर देता हूँ, शायद अधूरा है, उसका जवाब देते हुए मैं कम्प्लीट कर देता हूँ कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है उसको उस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सिर्फ आपने सिर्फ एनजीओज का नाम लिया, प्राइवेट स्टेशन का नाम लिया, एक्चुअली इसमें जो हॉस्पिटल जो मेडिकल ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स के लिए है वो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ लेवल पर देखी जा रही है, तो वहाँ से इसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और जो नॉन हॉस्पिटल यूसेज है उसको उसके लिए एक अलग नोडल ऑफिसर तैनात किया गया है। तो ये सिर्फ एनजीओज की बात नहीं है, कम्प्लीट जो मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको उस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। अब ये भी बताता हूँ स्ट्रीमलाइन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी मौसूल हुई थी जिसमें कई ऐसे एपिसोड्स नजर आए जहां कोशिश की गई इसको ब्लैक मार्केटिंग की होर्डिंग की कोशिश की गई, इसीलिए ये कदम उठाया गया। और मैं आपको ये आपके वसूल से भी बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रीमलाइन जिस तरीके से प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया है कल के दिन ही रात 12 बजे तक और जब तक एप्लीकेशन आती रही तब तक इमिजिएटली उस परमिशन जो है वो भी दी गई और उसके साथ साथ पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। एक इसका एक परफॉर्मा बनाया गया है, उस परफॉर्मा के थ्रू जो भी अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर सम लिटिल बिट ऑफ वेरिफिकेशन उस चीज़ को जितनी रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन है वो करने के बाद, ताकि देखिए मकसद ये है कि देयर शुड बी इक्वल एंड फेयर एक्सेस टू मेडिकल ऑक्सीजन फॉर द मोस्ट नीडी पेशेंट, जो सबसे ज़्यादा
देखिए, जब आपकी ऑक्सीजन के सिलेंडर किसी एक जगह अगर बल्क में गाड़ी में भर के ले जाएं और वो गाड़ियों में चलते रहें, उससे ज़्यादा बेहतर है कि ऑक्सीजन जिस शख्स को, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद शख्स है, उसके पास पहुँचे। तो उसी चीज़ को एनेबल करने के लिए पब्लिक के इंटरेस्ट में है, पब्लिक जो पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और मैं ये भी बता दूँ कि ये कोविड नॉन कोविड पेशेंट्स दोनों के लिए जो है अथोराइज कर रहे हैं। जी, उसमें सर एक टर्म प्राइवेट पर्सन भी यूज़ किया गया है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो घरों में हम कहें तो डिजीज को सफ़र कर रहे हैं, उन्हें घरों में रखा गया है ऑक्सीजन सपोर्ट पर। क्या आपको ये नहीं लगता कि इस ऑर्डर से उन पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है? नहीं देखिए, कोई उनको इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हीं के इंटरेस्ट में है ये ऑर्डर। उनको शायद डिप्राइव ज़्यादा मैक्सिमम डिप्रिवेशन उन्हीं को हो सकती थी, लेकिन वो होने नहीं दी। इसलिए मैंने जैसे कहा कि द मोस्ट नीडी पर्सन विल गेट फेयर एंड इक्वल एक्सेस टू मेडिकल ऑक्सीजन। जी ठीक है, आप देखिए सिस्टम पसे पर्दा जो सिस्टम कैसे ऑपरेट, जो ऑक्सीजन प्लांट से लेकर आगे गाड़ी में ट्रांसपोर्ट से लेकर स्टोरेज तक लेकर पसे पर्दा सिस्टम में क्या क्या है, उसी चीज़ में एकदम ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया है कि पूरा हिसाब किताब हो कि प्लांट से ऑक्सीजन जब जा रही है तो लोगों को मिल भी रही है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद शख्स है उसको ऑक्सीजन मिल रही है, उसको ऑक्सीजन दस्तियाब है। इसी वजह से ये किया गया प्रोसेस स्ट्रीमलाइन, ताकि कोई ओपेसिटी ना रहे, कहीं ऐसा ना रहे, कोई लूप होल ना रहे जिससे हमारे जो लोग हैं वो सफ़र करें और जो हमारे पेशेंट्स हैं वो सफ़र करें। तो कहने का मतलब ये है कि कोविड पेशेंट हो या नॉन कोविड हो, जिसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसके लिए प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया है और उनको ऑक्सीजन दस्तियाब होगी। आखिर सवाल से पूछूंगा, आपने होर्डिंग की बात की, पहले भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं ऐसी कहीं सर्विस रिक्वेस्ट हुई थी, क्या हमने अभी तक कोई ऐसे यहाँ पे अपने देखिए इस सिलसिले में जो रिपोर्ट्स मौसूल हुई वो दूसरे अजला के जुरिसडिक्शन में आते थे, जहां हमने इन्फॉर्म कर दिया और उन अजला में एक्शन किया गया है, कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर शेख आशकन आज पन्नस अकिस बयानस मज गवर्नर मनोज सिन्हास अपील करमज जे लॉकडाउन सत फैमिली फाक कशी हिंद शिकार गमज तो गवर्नर इंतजामस पजे तिहंद खातर जल्द अज जल्द माली मावनत इंतजाम करम। तमो वो मजीद जे वादी हंज मशियत अगस्त 2019 पेट माली मुश्किल शिकार यम कि तिमन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। तमो गवर्नर इंतजामस पे जोर दुत जे तिम कर तिमन नफरन फौरी अथरोट यम दोह मजूरी पे पन गुजार करान। देखिए वेल, आपको पता ही है कि 2019 अगस्त से ही हमारे लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं और किस तरह मैनेज कर रहे हैं ऊपर वाला ही बेहतर जानता है, क्योंकि लास्ट ईयर जो पैकेज एक दिया था रिवाइवल के लिए और उससे भी पहले कुछ रिलीफ मेजर्स किए थे, लोगों ने संभव मैनेज कर दिया था। अब ये तीसरा जो लॉकडाउन हमारे पास आ गया, अब इस सूरत में जो हमारे पास, जो आप सही तरीके से कह रहे हैं कि जो डेली अर्निंग्स पे जिनका सारा लाइफ चलता है कि पूरे दिन को मेहनत करते हैं, कुछ कारोबार करते हैं या मेहनत मजदूरी करते हैं, वही शाम को खाते हैं या दूसरा दिन चला लेते हैं। अब पिछले 10-15-20 दिन रोज़ से सारा कुछ ठप बैठा हुआ है, तो मेरे ख्याल से एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे आयद होती है कि वो जल्द से जल्द एक अनाउंसमेंट करे, जिसमें ना कि हम देखें कि किस स्टेट ने क्या अनाउंसमेंट की, हम बेहतर ये रहे कि इतनी मैग्नमस हो ये, दिल खोल के एक पैकेज दे ताकि रिलीफ मेजर्स जो भी हमारे गरीब गुरबात लोग हैं, जो भी वो किसी भी सेक्टर से वाबस्ता हो, उनके रिलीफ मेजर्स हैं। आप देखिए कुछ नहीं है उनके हाथ में, फीडबैक बहुत ही वर्स्ट है। अपने तरीके से जो भी बिज़नेस मैंने फीडबैक ये भी मिला है कि बिज़नेस कम्युनिटी अपने मोहल्लों में अपने तरीके से जो हो सकता है वो कर रहे हैं। अब देखिए जो गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं, जो उनके पास डाइवर्सिटी है गवर्नमेंट के पास, वो किसी के और पास नहीं हो सकती है। सो आई थिंक दिस इज़ द टाइम, राइट टाइम, दे शुड नॉट डिले एनी मोर, कि एक अनाउंसमेंट आनी चाहिए, न कि फ्री राशन और फाइनेंशियल जितना भी हो सके वो आगे आना चाहिए। ये जो ऑर्डर आ गया है, मेरे ख्याल से कहीं पे मिस इंटरप्रिटेशन भी हो गई है और लोग इसको, मेरे ख्याल से इसको फ्री फ्लो में जाना चाहिए ऑक्सीजन जिसको भी है ज़रूरत है। दो, अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग या ब्लैक शीप्स हो गए वो दे विल बी एक्सपोज्ड, तो मेरे ख्याल से इसमें फ्री फ्लो होना चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो डिमांड पर ही अभी है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों का वक्त इसमें नहीं जाना चाहिए फॉर्मेलिटीज़ में ज़्यादा ख़राब, क्योंकि दे नीड सप्लाई। आप देखिए कितने लोग अभी घरों में मॉनिटर कर रहे हैं, लोग लो इंटेंसिटी ऑक्सीजन पे, तो मेरे ख्याल से कोशिश रहनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी कि लोगों को सहूलियात दें अभी,
ताकि इस वक्त हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। बस इतना मैं कहूँ कि ऐसे ऑर्डर्स करें जिससे लोगों को आराम मिले, मतलब सहूलियतें हों। बस राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन के सदर मोहम्मद शफी पीरजादा अलमारूफ बबर शेर आए आज बिमिन सरकारी रिहाइश गह बेदखल कर इंतजामिया तरफ यह कदम तुलनस पे पीरजादा मोहम्मद शफी सख नाराजगी बोम आज जबरदस्ती मेरा सामान बाहर फेंका, आधा सामान उन्होंने चोरी लिया है। मैं गवर्नर इंतजामिया से और आईजी कश्मीर से और एसएसपी श्रीनगर से, डिप्टी डायरेक्टर एस्टेट से और डिप्टी डायरेक्टर एस्टेट और डीएसपी भिमना और बीओ भिमना, मैं उनसे दरखास्त करना चाहता हूँ, अगर 3 दिन तक उन चोरों के खिलाफ कार्रवाई किया है तो ठीक है, अगर नहीं मुझे मजबूर नहीं करना चाहे कि बब्बर शेर खुद अकेले उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी, अब कहां जाएंगे बब्बर शेर साहब, आप कहां जाएंगे? मैं जाऊंगा इस वक्त बिमना डीओ साहब के पास। अच्छा, मैं देखूंगा क्या बताएंगे। अच्छा, अगर उन्होंने कार्रवाई किया तो ठीक है, अगर नहीं देखेंगे चोर कब तक बचेंगे। अच्छा, यहाँ इंशाल्लाह जब तक कश्मीर धरती पे चोर बैठे हैं उन चोरों को इस दुनिया से मैं निकालूंगा, उसके बाद मैं भी निकलूंगा। आजाव दियाल गाम अनंत नाग कुनवु राष्ट्रीय राइफल तरफ स्वस्थ रहो खुश रहो प्रोग्राम तहत अके जानकारी कैंप संज कर अत मौक पे आई लुकन कोविड कुनवु वबाह कारी निश बचने बापती तदबीर जान दिन यप आज कोविड कुनवु नजर तल थवित जुमतुल विदा तकरीब मुख्तसर पाठ मनावने तो हुकूमत तरफ आव बज मस्जिद श्रीनगर दरगाह हजरतबल तो बाकी आस्थानन पे जुमह नमाज बापत बड़े इजतिमाहान इजाजत दिन मुल्क सत जम्मू कश्मीर यूटी मज कोरोना वायरस कहर जारी आज आई यूटी मज 1443 नव कोविड मुस्बत केस ये जन पत्म 24 घंटन दौरान 15 नफर अमे वबा सत फोत सपद तो नाजरीन अथ सत वो खबरन यह बुलेटिन अंत तुम रूज वुछान पन आवाज द वॉइस ऑफ कश्मीर।